बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हमने इसम के बारे में पढ़ना है। इसम का मतलब होता है नाम। किसी भी इंसान, जानवर, परिंदे, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। मसलन, किताब अच्छी है। इस जुमले में किताब क्या है? इसम है। प्यारे बच्चों, नीचे दी हुई तस्वीर देखें और 5 इसम लिखें। ये बेटे तस्वीर दी गई है और इनमें से आपने 5 इसम लिखने हैं इधर, ठीक है बेटा। देखें, जैसा कि ये क्या है? मेज़। इधर क्या आएगा? मेज़। फिर कुर्सी, गुलदान, सेब, फुटबॉल, गाड़ी, खिलौना और लट्टू। ये क्या है? तस्वीर, ठीक है बेटा, सीनरी। तो आपने इनमें से 5 इसम इधर लिखने हैं, तो लिखना स्टार्ट करें जी। तो स्टूडेंट, सब बच्चों ने लिख लिया? मेज़, कुर्सी, सेब, फुटबॉल और लट्टू। आगे है जी हरूफ जार। हरूफ जार वो हर्फ है जो अकेला कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसम और फेल से मिलकर मतलब पैदा करता है। ये हरूफ इसम और फेल को मिलाते हैं, ठीक है बेटा। हरूफ जार कौन कौन से हैं? से, मे, पर, तक, को वगैरह, ठीक है। अब इन हरूफ का कोई मतलब नहीं होता जब तक ये इसम और फेल के साथ ना मिल जाएं। इनका कोई अपना मतलब नहीं होता, ठीक है बेटा। जैसे सारा स्कूल आई। अब इसमें देखें हरूफ जार क्या है? से। तो से इसम और फेल के साथ मिलकर इसका मतलब बनता है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं। सारा स्कूल से आई, इस जुमले में से क्या है? हरूफ जार है। नीचे दिए हुए जुमलों में से हरूफ जार अलग करें। अब बेटा देखें, ये जुमले दिए गए हैं और हमने इनकी खाली जगह पर हरूफ जार इनमें से निकाल कर लिखनी है। जैसे कि अहमद स्कूल में है, तो इसमें हरूफ जार क्या है? मे। इसी तरह है तुम कब तक घर आओगे, तो इसमें हरूफ जार क्या है? तक। आगे क्या है? साजिद दरख्त पर चढ़ा, तो इसमें हरूफ जार क्या आएगा? पर। इसी तरह मारिया से आम लो, हरूफ जार है से। सारा के घर में 4 कमरे हैं, तो इसमें हरूफ जार है मे। तो अब आप इसको लिखना स्टार्ट करें जी। तो स्टूडेंट, सब बच्चों ने लिख लिया है मे, तक, पर, से, मे। ये क्या है? हरूफ जार। नीचे दिए हुए जुमलों में दुरुस्त हरूफ जार लिखें। अहमद घर डैश गया। अहमद घर तक गया के को गया? अहमद घर तक गया। छत डैश जाकर कपड़े लाओ, छत पर जाकर, छत में जाकर, छत पर जाकर। साजिद डैश किताब दो, साजिद को किताब दो कि से किताब दो? को किताब दो। इस डब्बे डैश गुड़िया है, इस डब्बे में आएगा कि तक आएगा? में। किसी डैश झूठ मत बोलो, किसी पर कि से। तो लिखना स्टार्ट करें जी। तो बच्चों, सब बच्चों ने लिख लिया है अहमद घर तक गया, छत पर जाकर कपड़े लाओ, साजिद को किताब दो, इस डब्बे में गुड़िया है, किसी से झूठ मत बोलो। तो ये सारे अल्फाज कौन से हैं? ये सारे जो अल्फाज हैं या हरूफ हैं, ये क्या क्या हैं? हरूफ जार। ओके स्टूडेंट्स।